टी20 वर्ल्ड कप 2024 पर बड़ी अपडेट आई। क्या टीम इंडिया का स्क्वाड एक बार फिर तब्दील किया जाएगा? ओपनिंग स्लॉट क्या रोहित शर्मा ओपन नहीं करेंगे? सबसे बड़ा सवाल मोहम्मद शमी की इंजरी पर बड़ी अपडेट, तो स्क्वाड में किस तरीके से होगी टीम इंडिया के एक बार फिर तब्दीली, वो आपको बताएंगे। जबकि माइकल वॉन ने एक अजीब किस्म का खुलासा किया, वर्ल्ड कप 2024 की अपनी चार सेमीफाइनलिस्ट टीम बताई। तो जनाब हैरान कौन टीम्स हैं ये जिसने सबको चौंकाया है, क्या अपडेट आ रही है इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो जनाब सबसे बड़ी खबर T20 वर्ल्ड कप 2024 को लेके आ रही है। खबर बड़ी है तो जनाब खबर ये है कि ICC के पिच क्यूरेटर्स के जो हेड हैं, जो इस वक्त अमेरिका के अंदर काम कर रहे हैं, जिनको काम करने का कहा गया डैनियल हैफ। मैंने आपको रेगुलर ये रिपोर्ट बताता आ रहा हूँ कि जनाब डैनियल हैफ कौन है। वो असल में एडिलेड ओवल जो ऑस्ट्रेलिया का स्टेडियम है, वहां के पिच क्यूरेटर्स के हेड है। तो उनको ये काम दिया गया था कि आपने न्यूयॉर्क के अंदर जो है वो पिचेस तैयार कर दिए। तो जनाब उन्होंने 10 पिचेस जो है वो इंस्टॉलेशन का जो उनका अमल है, यानी 10 पिचेस ड्रॉपन पिचेस बार में फ्रेडा के अंदर तैयार की गई। फिर उसके बाद उन पिचेस को लेके ICC के मुताबिक के जनाब उनको अमेरिका के न्यूयॉर्क काउंटी का जो स्टेडियम है, जहां पर पाकिस्तान इंडिया का मैच खेला जाना है, वहां पर उन्होंने इंस्टॉल किए हैं। और साथ साथ एक बड़ा बयान भी जारी हुआ है, उनके मुताबिक के जो एडिलेड ओवल की जो जिस तरीके की पिच है, जहां पर उछाल ज्यादा होता है, बाउंसी ट्रैक होता है, एक चीज क्लियर है कि T20 के अंदर परफेक्ट विकेट जो है वो डैनियल हैफ ने बोला है कि हमने बनाई है, हमने तैयार किया, जिसके अंदर बॉलर्स के लिए उछाल रखा गया, बाउंसिस रखी गई है, बाउंसी पिच बनाई गई है। साथ साथ उन्होंने ये क्लियर किया कि T20 में यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर भी बैटर्स कर सकते हैं, लेकिन बॉलर्स के लिए भी यहाँ पर जो है वो मदद रखी गई है। तो खैर बड़ी जबरदस्त की ड्रॉपन पिचेस जो है वो इंस्टॉलेशन का इसका अमल जो है वो जारी है। 10 पिचेस जो है वो न्यूयॉर्क स्टेडियम के अंदर जो है वो इंस्टॉल की जा रही है। तो खैर इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2024 की इन्हीं कंडीशन को देखते हुए अमेरिका के अंदर, तो जनाब अजीत जो आपके अजय जडेजा हैं, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा देखें आपको यहाँ पर आपके मल्टीपल ऑप्शन है। इंडिया के सबक क्रिकेटर हैं, उन्होंने ये बोला, अजय जडेजा ये बोलते हैं कि जनाब आपको यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली के साथ ओपन करना चाहिए। और रोहित शर्मा को कहते हैं कि आपको नंबर 3 पर ले जाके उनको बल्लेबाजी T20 वर्ल्ड कप में कराने चाहिए, थोड़ा डिफरेंट सोचना चाहिए, ताकि जो दूसरी टीमें आपके ऊपर होमवर्क करके आते हैं, आप उनको डिस्टर्ब करने के लिए ये फार्मूला जरूर आजमा सकते हैं। तो खैर इसके अलावा अगली अपडेट की तरफ चलो और आपको बताऊं तो सबसे बड़ी खुशखबरी मोहम्मद शमी की इंजरी पर आई है। तो जनाब आज उन्होंने एक वीडियो डाला और बड़ा जबरदस्त, वहां पर जिम कर रहे थे, सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर डाला, ट्विटर के ऊपर जिसको आप एक्स भी बोलते हो, वहां पर उन्होंने एक कैप्शन भी लिखा, जनाब मेहनत कीजिए, पूरा हुआ जो आपका पसीना है वो बहाइए और मेहनत कीजिए और दूसरा वापस कमबैक कीजिए। तो बड़ा जबरदस्त उन्होंने जिस तरीके से जिम कर रहे हैं, वहां पर प्रॉपर फिटनेस के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छी चीज ये है कि दोबारा अपनी चोट से जल्द वो रिकवर हो जाएंगे। तो खैर इसके अलावा अगली अपडेट की तरफ चलूंगा, आपको बताऊं तो जनाब माइकल वॉन ने हैरान कुन तौर पे एक खुलासा किया, वर्ल्ड कप 2024 की चार सेमीफाइनलिस्ट टीमें बताई, जिसने हैरान किया। ना उन्होंने पाकिस्तान को जगह दी है, ना उन्होंने हैरान कुन बात यह है कि उन्होंने इंडिया को भी जगह नहीं दी। उनकी चार सेमीफाइनलिस्ट टीम क्या है, एक्स जो ट्विटर ऐप का, उन्होंने वहां पर आके जो है वो बात की माइकल वॉन ने। उन्होंने लिखा है वर्ल्ड कप 2024 के अंदर मेरी जो चार सेमीफाइनलिस्ट टीम है, नंबर 1 साउथ अफ्रीका, नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 इंग्लैंड, चौथे नंबर पे जो उन्होंने रखी वो रखी होम टीम यानी कि वेस्ट इंडीज। उन्होंने कहा ये चार सेमीफाइनलिस्ट मेरी टीम है जो पहुंचेंगी वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में। हैरान कुल बात, ना पाकिस्तान, चलो पाकिस्तान को जाने दो, इंडिया को भी नहीं रखा, जो इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है उसको भी माइकल वॉन साहब ने अपनी चार सेमीफाइनलिस्ट टीम्स में नहीं रखा। तो खैर अपडेट्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।